वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज रंजना कैसल और मैं हूँ रंजना आप सभी की दोस्त। आज वीकडेज है, आज वेनेसडे है तो वीक के बीच में मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। ये बहुत ही अजीब सी बात है लेकिन आज इसलिए ब्लॉगिंग हो रहा है क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। क्या स्पेशल डे है वो आगे वीडियो में पता चलेगा। और आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक साल बाद घूमने जा रही हूँ और आपको भी मेरे साथ लेकर के चलती हूँ घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो भी बाद में बताती हूँ, धीरे धीरे वीडियो बढ़ता जाएगा और आपको मैं बताती जाऊंगी। और ये पीछे हेलो दीदी देख। ओके तो चलिए हमारे साथ कहाँ चलते हैं वहाँ पर सब दिखाती हूँ, घुमाती हूँ आपको मेरे साथ साथ। बाद हम लोग निकले हैं ना, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है ना? बोले कितना मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिनों के बाद निकले हैं। एक साल के बाद हम लोग चार जन एक साथ कोलकाता से बाहर निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और आज तो स्पेशल लोकेशन भी है ना इन लोग। ओके सरप्राइज, वीडियो में बाद में पता चलेगा। हाँ वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा, बाद में साथ में रहिएगा। अभी चाय ब्रेक के लिए बैठे हैं ना, ये एक छोटा सा स्टॉल जैसा है, टपरी टाइप का है। चाय नाश्ता वास्ता भी मिलता है लेकिन नाश्ता हम घर से करके आए हैं और यहाँ पर चाय पियेंगे उसके बाद सीधा। इसके बाद यहाँ से 20-25 मिनट लगेगा ना, आधा घंटा लगेगा पहुँच जाएंगे। उसके बाद सीधा आपसे मिलते हैं, होटल में मिलते हैं सीधा। कभी चाय में डुबा करके रोटी खाया है? नहीं, मैं तो पूरी देसी हूँ, चाय में डुबा डुबा करके रोटी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। सोनार बांग्ला रिजॉर्ट में, इट्स इन कोलाघाट। एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक छोटा सा इवेंट है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आया है। और इवेंट सेलिब्रेट करने से भी ज़्यादा था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब डाउन हो गई थी, मुझे बाहर निकलना था, मेरे को थोड़ा सा आउटिंग का ज़रूरत था तो मुझे बाहर निकलना था। फॉर्मेलिटीज़ वगैरह चल रही है रूम की,
सब मिल जाए, फिर लगेज वगैरह लेकर के रूम में जाकर के मिलती हूँ आपसे। हाय, वेलकम वेलकम टू आवर रूम। हाँ, आवर रूम बिकॉज ये हमारा अभी दो दिन तक के लिए ये हमारा रूम होने वाला है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ रूम। बहुत क्यूट सा रूम है। कम क्लियर। मैं अच्छी लग रही ना मैं ड्रेस में? बोल अच्छी लग रही हो। ओ मुझे रूम दिखाना था ना। चल मैं दिखाती हूँ रूम। कुछ ये है रिजॉर्ट सोनार बांग्ला एंड दिस इज आवर रूम। एज मैंने बताया, चाय कॉफी का भी बंदोबस्त है। मेरे सर में इनफैक्ट दर्द हो रहा है तो मुझे अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं थोड़ा बाहर का नजारा दिखाती हूँ बालकनी से, बहुत ही अच्छा। और ना ये जो मैं सोनार बांग्ला बोल रही हूँ तो ये मत समझो कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये मैं खुद के पैसों से आई हूँ। पर हाँ, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मुझे स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगे। ये है बाहर का व्यू, कितना सुंदर लॉन है ना। शायद कोई इवेंट होने वाला है शाम को, कुछ है शायद से किसी का बर्थडे होगा। अच्छे से सुंदर से सजा रखा है। स्विमिंग पूल, पर अभी शायद पूल पे उतरने नहीं देंगे ये ड्यू टू कोविड। और वो फेंस के बाहर मुझे पता नहीं चल रहा है धूप में अच्छे से दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ये नदी है एंड इट्स नॉट गंगा, ये रूपनारायण नदी है। अभी बनेगी मस्त वाली कॉफी। तुम ही खाबे तो कॉफी ठीक है। अभी बहुत धूप है, एकदम दोपहर का टाइम है इसीलिए बहुत धूप है। अगर बाहर जाएंगे ना तो जल ही जाएंगे, मतलब लग ही नहीं रहा है जब बाहर का, मतलब आज सर्दियों का दिन है। बाहर का सीनरी इतना अच्छा है। हम लोग सब लंच करेंगे अभी, लंच करके फिर हम लोग जाएंगे बाहर घूमने वूमने, एकदम रेडी वेडी होके फिर जाएंगे। पर एक सेकेंड रुकिए, आप अपने ब्लॉगर का हालत देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी मम्मी मम्मी, आप यहाँ पे सोने आए हो क्या? उठो। सुबह सुबह उठी हूँ ना मैं, थोड़ी देर बाद। ये तो हालत देखिए मम्मी का, यहाँ पे घूमने वूमने आई है, सब कुछ स्पॉन्सर वॉन्सर करके फिर से ये खुद ही सो गई। ट्रिप ये लोग मतलब एकदम बर्बाद कर देते हैं। उठो जल्दी, देखिए। लंच टाइम, मैं तो सो गई थी, मुझे बहुत जोर से नींद आ गया था। चलो खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। घूमने बहुत सुंदर जगह है ना मिष्टी, बहुत सुंदर जगह। और आपको पता है हम लोग एक साल बाद घूमने निकले हैं, तो पहले तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली घूमने निकला करते थे, लेकिन आज एक साल बाद हम घूमने निकले तो मैं भूल गई हूँ कि घूमने बाहर जाने के लिए पैकिंग किस तरह से की जाती है।
और मैंने कम से कम भी 4 से 5 स्वेटर जैकेट वगैरह लिया है, लेकिन मुंह धोने के लिए ना फेस वॉश लिया है, बाल बनाने के लिए ना कंघी लेकर आई हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि वो होटल से कंघी और एक सस्ता वाला मॉइस्चराइजर दे करके रखा है, वो लगा करके हम लोग घूम रहे हैं। रात को किससे मुंह धोएंगे पता नहीं। थैंक गॉड कि मेरे पति देव ने ब्रश ले लिया था, वरना दांत भी उंगली उंगली से घिसना पड़ता। एनीवेज मैं थोड़ा कैमरा घुमा करके ना आप लोगों को जगह दिखाती हूँ। सच में बहुत अच्छा है। जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो तो मतलब काफ़ी लोगों को पता भी होगा और शायद काफ़ी लोग आ भी चुके होंगे। मेरे पीछे देखो पूल, लेकिन यहाँ उतरने नहीं दे रहा। मेरा बेटा तो बहुत कुदम कुदी कर रहा है इसमें कूदने के लिए, लेकिन मना कर दिया है। और वो पीछे वो रूपनारायण नदी, उसमें अभी वो क्या बोलते हैं हाई टाइड लो टाइड, लो टाइड होकर हुआ है, पानी नहीं है। तो जब फुल शायद रात को सुबह दिखेगा फुल, तब अच्छा लगेगा देखने में। और एक बात, जो जिनके पेट्स है ना, ये पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है। पता ही ना एक्साइटमेंट में भूल गया है कि उसके मम्मी पापा दीदी भी है, वो अकेले अकेले ही घूम रहा है, अकेले अकेले ही वो एंजॉय कर रहा है। सच में बच्चे लोग ना बहुत खुश है, बहुत खुश है। इतने दिनों के बाद घर से निकले, ये तो पूरा वो होता है ना, हम लोग बंगाल में बोलते हैं ना बांधा गोरूटा छाड़ा पेच, इसका वैसा हालत है। मतलब वो गाय को हम लोग हम बांध के रखते हैं ना खूटे से, फिर खोल देने से उसका जैसा होता है एक्साइटमेंट, इसका वैसा एक्साइटमेंट है। और एक तो पता नहीं कहाँ है, पापा के साथ फोटो सेशन चल रहा है, दिख रहा है वो दोनों बाप बेटी, फोटो सेशन चल रहा है उनका। यहाँ शायद आज कोई बड़ा सा प्रोग्राम भी है, डीजे वीजे का मशीन वगैरह सब साउंड बॉक्स वगैरह लगा रहे हैं। अच्छा सामने एक अच्छा बलून बलून से सजाया हुआ, मैं भी जा करके वहाँ थोड़ी फोटो सेशन कर लेती हूँ। पता नहीं क्या है यहाँ, कुछ तो था शायद से या कुछ है, बलून्स लगाया तो शायद बर्थडे पार्टी भी हो सकता है। अब मुझे क्या, मैं यहाँ पर कुछ देर तो पिक्चर्स उठा लूँ अपने। अच्छा ही लग रहा बलून वाला। ओ अच्छा, यहाँ रिजर्व का भी नोटिस लगा रखा है। एनीवेज अभी यहाँ कोई नहीं है, रिजर्व प्रॉपर्टी में घुस करके थोड़ा सा ट्रेसपासिंग कर ही सकते हैं। ये जगह इतना सुंदर है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्टडीज के बीच में ना बहुत अच्छा लगता है। आज नहीं पढ़ रहे बट कल जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ लेंगे। और देखिए आपके फिर से आपके व्लॉगर का हालत देखिए, आप बच्चे थोड़ी हो। तो क्या हुआ, दिल तो बच्चा है ना, टूट जाएगा। टूटनेगा, ऐसे टूट जाएगा, इतनी भी मोटी नहीं है। अशोक अब टूट सकता है। अब टूट जाएगा, अब पक्का टूट जाएगा। देखो रुक ही गया दा, वहां एक बंदर की तरह उछल रहा है। आपको एक बंदर भी दिखाती हूँ, रुको। ये देखो ये और एक बंदर। क्या कर रही है बेलून कुमारी?
कुछ भी ना कुछ भी हेलो अरे फोटो खिंचाने का कोई पोज तो चाहिए। ये ड्रेस मेरा है ना? हाँ? ये ड्रेस मेरा है ना? ना ना हेलो मैं ले लूंगी। क्यों? मुझे पसंद है। ए ताता है?